ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली डेमन स्लेयर के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है और ये एपिसोड काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि टांजिरो हील हो चुका है और अब फाइनली वो अपनी हाशरा ट्रेनिंग शुरू करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ये एपिसोड पूरा देखना चाहते हो, सारे फाइट सीन्स देखना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे मैंने ये एपिसोड ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में यहां पे हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पे ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इधर टेंगन भी शामिल होता है। वो इन सब लोगों की ट्रेनिंग करा रहा होता है और वो भी काफी ज्यादा खतरनाक, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा ही था। यहाँ पे टेंगन ने इन लोगों की वाट लगा रखी होती है, इनकी काफी टफ ट्रेनिंग करा रहा होता है वो। और फाइनली जब ये ट्रेनिंग चल रही होती है तभी इधर टांजिरो आ जाता है, जिसको देख के टेंगन काफी ज्यादा खुश होता है और टांजिरो भी देखता है कि टेंगन भी बिल्कुल ठीक है। इवन उसकी जो आंख फूट गई थी उसकी जगह उसने अब एक जैम लगा लिया होता है। ठीक है, इवन आपको याद ही होगा कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे फिर से टांजिरो अपर रैंक की टीम से लड़ा था, तो ये बात सुन के टेंगन को और भी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि चलो फिर ठीक है, अब तुम्हारी सुस्त सी बॉडी को ट्रेन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टांजिरो का जो स्टैमिना होता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है और इसको देख के बाकी सारे जो कॉमरेड्स होते हैं वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। वही दूसरी ओर यहाँ पे ये तीनों वाइफ्स होती है जिन्होंने खाना बनाया होता है बहुत सारा, ये लोग भी टांजिरो को शुक्रिया अदा करती है फिर से कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में टांजिरो ने इन लोगों की मदद की थी। वही दूसरी ओर यहाँ पे टेंगन इन सबको ठूस ठूस के खाना खाने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी खाना छोड़ा तो तुम्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है ना, तो यार ये तो एक तरीके से टॉर्चर है। यहाँ पे हमें दो बंदों का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये नाइट पेट्रोल ड्यूटी को एक्सचेंज कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली यार ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नाइट पेट्रोल ड्यूटी करते हैं उनको अगले दिन सुबह ट्रेनिंग पे नहीं आना पड़ता, जिस वजह से यार ये सबके सब लोग बस एक बहाना ढूंढ रहे होते हैं ट्रेनिंग पे ना आने का। ओके, तो यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दो बंदे होते हैं और रात में घूम रहे होते हैं। इनको पता होता है कि अब काफी समय से डीमंस दिखने बंद हो चुके हैं और वो अब नेज़ुको नाम की लड़की के पीछे है, जिस वजह से रात में डीमंस दिखना बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो इनमें से एक यही विश करता है कि काश अब ऐसे ही डीमन दिखना बिल्कुल बंद ही हो जाए। तो ये बंदा कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तकरीबन 1000 साल हो चुके हैं और 1000 साल से हम लोग डीमंस से लड़ रहे हैं। तभी इनमें से एक बंदा गायब हो जाता है। ये बंदा काफी ज्यादा डर जाता है, अकेला होता है और ये भाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसको पता चल जाता है आसपास कोई डीमन है, लेकिन ये दूसरा बंदा बस मजाक कर रहा होता है। ठीक है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे किसी चीज की आवाज आती है, कुछ सेंस होता है इन लोगों को, लेकिन ये इस चीज को इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे एक आंख होती है जिसपे 4 लिखा होता है। यार अब यार आपको तो पता ही होगा कि अपर 4 रैंक का डीमन कौन सा था, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है ना, एनीवे हमें दिखाया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आंख होती है, पूरा डीमन नहीं होता और ये आंख भाई खुद ही चलती फिर रही होती है। ठीक है, सुबह हो जाती है और इन लोगों की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है, जहां पे इनको अपने कॉमरेड्स को अपने कंधे पे उठा के भागना होता है। इस रेस में टांजिरो सबसे ज्यादा आगे होता है और भाई वो काफी ज्यादा फुर्तीला होता है। उसे देख के लोग समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा था जिसने अपर रैंक डीमन से लड़ाई की थी, तो क्या हमें भी इतना ही स्टैमिना चाहिए होगा एक अपर रैंक डीमन से लड़ने के लिए। तो यार देखो, एक बात तो तुम भी जानते हो कि टांजिरो भले अपर रैंक के डीमन से लड़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि भाई वो हर बार बाल बाल बचाए बस मरते मरते। ठीक है ना, तो इतना स्टैमिना भी काफी नहीं है, इससे भी ज्यादा चाहिए होगा इन लोगों को। ठीक है, यहाँ पे बीच में ब्रेक होता है और ये लोग पूछते हैं कि अपर रैंक डीमन कैसे होते हैं। तो टांजिरो इनको बताते हैं कि वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तुम जैसे लड़ाई करने ग्राउंड में जाओगे वैसी पलक झपकते तुम्हें नीचे गिरा दिया जाएगा, तुम्हें मार मार के नीचे गिराया जाएगा। जब तुम दोबारा उठोगे तो दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जिसके लिए मेरे को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। यार जिसको देख के ये लोग समझ जाते हैं कि भाई ये तो कुछ अलग ही खेल है यार, अलग ही दुनिया है पूरी तरह से। यहाँ पे टेंगन इन लोगों के लिए आज की लास्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम लेता है और बोलता है कि चलो पहाड़ पे चलते हैं। ये सबके सब लोग पहाड़ पे जाना शुरू कर देते हैं, अब इनको पहाड़ पे ऊपर जाके नीचे आना होता है। ओके, ये तीनों वाइफ्स यही कहती है कि भले ही बाहर से टेंगन थोड़े सख्त दिखते हैं लेकिन दिल के वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये लोग बताते हैं कि एक दिन की बात है जब ये मेंबर्स ऐसे ही पहाड़ पे गए थे और वापस आने वाले थे, तो लास्ट मेंबर जब तक नहीं आया था तब तक टेंगन ने खाना नहीं खाया था और वो खुद गए थे उसको लेने के लिए। तो जिसके बाद यहाँ पे टेंगन ने सारी बातें सुन ली होती है और टांजिरो भी जाता है इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। वो यही सोचता है कि सारे के सारे हाशिरा जितने ज्यादा ताकतवर है लेकिन उसके बावजूद वो दिल के काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो ये बात सोच के वो यहाँ पे ग्यू की बात याद करता है। अब आपको याद होगा उसने ग्यू के साथ एक ईटिंग कॉम्पिटिशन रखा था, ठीक है, और इस कॉम्पिटिशन में बेसिकली टांजिरो हार रहा होता है क्योंकि ग्यू की जो खाने की क्षमता जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ग्यू यही कहता है कि तुमने कहा था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो इसके बदले मेरे को पार्टिसिपेट करना होगा, इसका मतलब यह है कि अगर मैं जीत गया तो मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना होगा। तो टांजिरो यहाँ पे थोड़ा सोच में पड़ जाता है। यहाँ पे इन दोनों को एक एक और प्लेट्स ला के दी जाती है, तो ग्यू ये कहता है कि हे मिस्टर, इस बंदे को एक और ला के दो। तो टांजिरो कहता है क्या? ग्यू कहता है देखो यार, ये मेरा लास्ट प्लेट है, इसके बाद मैं नहीं खा पाऊंगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर तुम जो आने वाली प्लेट है वो भी खा लोगे तो तुम जीत जाओगे, ठीक है, इससे तुम खुश भी हो जाओगे, है कि नहीं। तो टांजिरो को भले यहाँ पे मन में पता होता है कि ग्यू अभी और भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको जिताने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक और प्लेट खाना और भी ज्यादा
मुश्किल है। दूसरी ओर हमें सानेमी और ओबनाई का सीन दिखाया जाता है, ठीक है। सानेमी इधर बैठ के ओबनाई का इंतजार कर रहा होता है और ये दोनों ही इधर बातचीत करते हैं हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में। इन दोनों का ये मानना होता है कि ये जो डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर है ये बिल्कुल बेकार है और अपर रैंक के सामने ये एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकेंगे, लेकिन ये बात है कि बस मास्टर की आखिरी इच्छा थी तो इन लोगों को ये करना ही होगा, ठीक है। ओबनाई यहाँ पे सानेमी से पूछता है कि इतनी लेट तुमने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया, तो बेसिकली यहाँ पे सानेमी उसी कासल के बारे में सोच रहा होता है। अब आपको याद होगा ये लोग एकदम से इन्फिनिटी कासल के अंदर पहुंच गए थे और ये लोग सोच रहे होते हैं कि एकदम से वो डीमंस कहाँ पे गायब हो गए। भले ही सानेमी उस कासल में एक दो बार और गया था लेकिन उसको उस जगह का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है कि ये डीमंस का एक अलग ही हाइड आउट है। ओबनाई ये कहता है कि इस ट्रेनिंग की वजह से मेरा माइंड काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है, लेकिन जब मैं शांति से इस सिचुएशन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये शांति तूफान आने से पहले वाली शांति है। तो यार बेसिकली यहाँ पे ये दोनों ही इस सोच में पड़े होते हैं, साथ ही साथ ये एक दूसरे को चैलेंज करते हैं एक लड़ाई के लिए म्यूचुअली, ठीक है। ये दोनों ही ये चाहते होते हैं, ठीक है। ये काफी अच्छा खासा इत्तेफाक होता है इनका। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि टांजिरो इन तीनों वाइफ्स की मदद कर रहा होता है बर्तन वगैरह रखने में। इवन ये लोग टांजिरो को एक हाई ग्रेड ग्योकुरो ग्रीन टी भी बना के देती है जो कि यहाँ पे उसको काफी ज्यादा डिलीशियस लगती है। ये लोग बताती है कि टांजिरो वो पीले बाल वाला बंदा, सुअर के मास्क वाला बंदा और ऑफ कोर्स सर पेंगुइन की वजह से ये लोग आज जिंदा है, ठीक है। तो ये लोग इमोशनल हो जाती है ये सारी बातें करके एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। और ये टांजिरो से ये कहती है कि पेंगुइन अपने आप को माफ नहीं कर पाया कि उनको पीछे हटना पड़ा लड़ाई से। अब आपको याद होगा वो यहाँ पे रिटायर हो चुका है इसलिए वो एक एक्स हाशिरा बन चुका है, अब है कि नहीं। तो वो टांजिरो से ये कहती है कि तुम प्लीज मुजान किबुत्सुजी को हरा देना, ओके। तो अब आपको याद होगा हर रोज इनकी एक रेस होती है पहाड़ के ऊपर चढ़ के नीचे उतरना होता है इनको, तो आज ये रेस कैंसिल कर रहा है टेंगन और ये कहता है कि चलो आज रात में हम पहाड़ पे चलते हैं और तुम तो जानती हो कि हमें डीमन से रात में ही लड़ना पड़ता है, तो अब तुम रात में ही आओगे और अपने फाइटिंग स्किल्स को बढ़ाओगे, जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती वो तुम्हें सेंस करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो टेंगन यहाँ पे एक डीमन की तरह इन लोगों के ऊपर अटैक करेगा और इन लोगों को बचना होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही लड़ना होगा जैसे कि वो डीमन से लड़ रहे हैं, ओके। और ऑब्वियसली बात है वो एक हाशिरा है तो एक तरीके से इनका सामना अपर रैंक डीमन से हो रहा है। वही दूसरी ओर टांजिरो को कहा जाता है कि तुम्हें लड़ने के साथ साथ अपने बाकी कॉम्रेड्स को भी बचाना होगा, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टेंगन काफी ज्यादा फुर्तीला होता है भाई, वो दिखाई भी नहीं देता इन लोगों को, एक के बाद एक करके ये पत्तों की तरह गिरते जाते हैं नीचे और टांजिरो समझ भी नहीं पाता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब ऑब्वियसली बात है कि टेंगन एक निंजा हुआ करता था पहले, जिस वजह से यहाँ पे सूंग के भी टांजिरो को नहीं पता चलता कि टेंगन कहाँ पे है। फाइनली यहाँ पे टेंगन सामने आ जाता है और चांद की रोशनी भी आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पे टांजिरो कहता है कि तुम मेरे साथ आओ और हम साथ मिलके टेंगन का सामना करेंगे, जिसके बाद टांजिरो फाइनली टेंगन को काफी कमाल की टक्कर देता है और टेंगन भी यहाँ पे समझ जाता है कि टांजिरो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये सब के सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि ऐसे लगते हैं वो दो बंदे जिन्होंने अपर रैंक से लड़ाई की है, कितने ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है ये, ठीक है। काफी कमाल की लड़ाई होती है इन दोनों की, जिसको देख के इन सभी के सभी लोगों को मोटिवेशन मिलती है और ये सब के सब घेर लेते हैं टेंगन को। टेंगन को भी यहाँ पे मजा आना शुरू हो जाता है और इनकी ट्रेनिंग काफी कमाल की चलती है। भले ये लोग थोड़ा डिमोटिवेटेड होते हैं, ये सोचते हैं कि ये हाशिरा से नहीं लड़ सकते, लेकिन उसी के साथ साथ ये इस बात को जानते हैं कि हाशिराज और कामाडो मिलके अपर रैंक्स और मुजान की बुद्धसूची को हरा सकते हैं और हम भी ऐसा करना चाहते हैं, हम भी ताकतवर बनना चाहते हैं और एक ना एक दिन ऐसा होगा। तो यार ये सबके सब लोग टांजिरो को देख के काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुके होते हैं। अगले सुबह यहाँ पे टेंगन टांजिरो को फ्री कर देते हैं और वो यही कहते हैं कि अब तुम्हारा काम यहाँ पे हो चुका है, तुम यहाँ से जा सकते हो, हमने भले ही अपर रैंक्स के टीमन को हराया है लेकिन ये खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम मुजान की बुद्धसूची को नहीं हरा देते, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तीनों वाइफ्स कुछ खाना वगैरह पैक करके देती है टांजिरो को और टांजिरो निकल जाता है अपनी अगली ट्रेनिंग प्लेस के लिए। ये सबके सब लोग यहाँ पे टांजिरो को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और टांजिरो भी इन लोगों को कहता है कि मेरे को उम्मीद है कि अगली ट्रेनिंग सेट पे हम सब साथ मिलेंगे। टांजिरो यहाँ पे फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मिस्ट हाशिरा होता है मुइचिरो टोकिटो। यहाँ पे मुइचिरो ने लगभग सब बंदों को निपटा दिया होता है, एक बंदा बचा होता है जो कि भाई डर रहा होता है और वो कहता है मेरे बस की नहीं है। तो मुइचिरो से यही कहता है कि तुम यही बात डीमन से भी बोलोगे जब वो तुम्हें खाने वाला होगा, अगर ये असली लड़ाई होती ना तो तुम अभी तक 3 बार मर चुके होते, समझे। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड क्रेडिट्स में हमें एक सीन दिखाया जाता है टाइशो एरा का सीक्रेट। यहाँ पे आज टांजिरो हमें उजुई के बारे में बताएगा, यानी कि टेंगन के बारे में बताएगा, ओके। वो बताता है कि टेंगन को छुपे हुए स्प्रिंग्स ढूंढना काफी ज्यादा पसंद है और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई के बाद उन्होंने अपने घावों को उनमें से ही एक स्प्रिंग में हील किया था। तो टेंगन कहता है यार कितना प्लेन बोला तुमने, चमकीले तरीके से नहीं बोला, तुम ये भी बोल सकते थे कि मैं अपनी 3 प्यारी वाइफ्स के साथ वहां पे गया था। तो यार ऑब्वियसली बात है वो उनसे काफी ज्यादा प्यार करता है और टांजिरो उनको देख के ये कहता है कि कितनी वंडरफुल फैमिली है। एनीवे नेक्स्ट एपिसोड का नाम है इट मेक्स यू स्माइल और ये एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, तो यार तब तक के लिए आप वेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।